क्या है जो अंत में षड्यंत्र में उतर आती है, खासकर वो जो सोच रहे हैं कि वो हार रहे हैं, तब वो वोट मांगना बंद करते हैं और षड्यंत्र में आते हैं। अगर षड्यंत्र चल रहा है तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जीत रहा हूँ। प्राथमिकताएं क्या तय हुई हैं आपकी, जो सीधी विधानसभा की प्राथमिकताएं रही हैं, क्या प्राथमिकताएं तय हुई? अब मेरी मेरी जो 15 प्राथमिकताएं थी वो मैंने छपवा दी हैं, लोगों तक पहुँचा दी हैं। प्रमुख तीन प्राथमिकताएं बताएं आप। उसके ऊपर सबसे पहले पानी का था कि पानी मैं देना चाहता हूं। आज 70 साल बाद भी लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है। दूसरी जो प्राथमिकता थी वो थी बिजली की, बिजली पहुंचाना है और बिजली का जो व्यवस्था है उसको सुधारना है, और जो बिलिंग गड़बड़ हो रही है उसको सुधारना है, और तीसरा जो था सुधारा है बिजली का, और जो तीसरा था वो था एक मेरे ख्याल से सीधी शहर के परिवेश में, सीधी जिला के परिवेश में कि जो अस्पताल है यहाँ का अगर वो सुधर जाए तो बहुत लोगों का जीवन बच जाएगा। गोपा भी आपके साथ है जी, गोपा गोंडवाना पूरी तरह से आज के पेपर में उठा के देख लीजिए आप, उसमें जो दादा हीरा सिंह मरकाम का जो वक्तव्य है वो साफ कह रहा है कि ये अटूट है रिश्ता। हमारा है।